आज मैं इंजन फ्लश करने वाला हूँ इस अपाचे 160 RTR का, और वो भी मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करूँगा। मैं उपयोग करूँगा इस 3M के इंजन फ्लश आयल को। आप देख सकते हैं ये आयल है और इसका मैं उपयोग करूँगा। अब आप लोग अगर मेरी वीडियो परमानेंट देखते हैं तो आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने दो वीडियो बना रखी है कि इंजन फ्लश करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। लेकिन जब आप उस वीडियो के कमेंट को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ भाई बंधुओं ने इस प्रकार से कमेंट किया कि उन्होंने कहा कि मैं गलत हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, वो जब से नई बाइक लाए हैं तब से ही फ्लश कर रहे हैं और उनकी बाइक हवा से बातें कर रही है। तो ऐसे में मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। और इस वीडियो में जैसे आप सोचेंगे कि मैं इसमें डालूंगा, फ्लश करूंगा, तो सिर्फ इंजन ऑयल नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको पूरा इंजन खोल के दिखाऊंगा इसका, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये जैसे कि मैंने कुछ प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि वो वाल्व का कचरा या जो कार्बन होता है पिस्टन पे, ये सारी चीज़ें साफ़ कर देता है। कुछ लोग बता रहे थे कि साफ़ कर देता है, तो मैं भी आज देखूंगा कि ये साफ़ करता है नहीं करता है, और मैं इस पूरी बाइक का इंजन खोलूंगा। अब आप कहेंगे कि सिर्फ इसके लिए मैं इंजन खोल रहा हूं, किसी की बाइक ख़राब कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। इस बाइक के क्रैंक में आवाज़ आ गई है, मैं आपको इसका साउंड सुनवा देता हूं, और फिर उसके बाद आप लोग देखें कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। तो मैं इसको दिखाऊंगा आपको, इस बाइक की क्रैंक ख़राब हो गई है, 50,000 किलोमीटर चली है, और मैं आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ। और मुझे इस बाइक को पूरा खोलना है, क्रैंक रिपेयर इसका होगा, पूरा इंजन खोल के दिखाना है, तो साथ में जब इसका प्रयोग कर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इंजन फ्लश ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि जब मैंने उस वीडियो में बताया था तो लोगों ने मुझे गलत कहा था, क्योंकि अब आप तो जानते हैं कि कुछ लोग डोमिनिक टोरेटो जैसे हैं या निकोलस केज जैसे हैं, तो ऐसे में आप इस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इस बाइक का साउंड सुनवा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके इंजन ऑयल के लेवल को चेक करवा देता हूँ कि इसमें इंजन ऑयल पूरा है या नहीं है, उसमें इसको डाल दूंगा और फिर स्टार्ट करके 10 मिनट फिर इंजन ऑयल को निकाल के पूरे इंजन को खोल के आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको साउंड सुनवा देता हूँ इस बाइक का, नहीं सबसे पहले मैं इंजन ऑयल चेक करवा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि इंजन ऑयल कम हो गया, अभी मैंने बाइक स्टार्ट नहीं की है और ये बाइक ठंडी है, आप देख सकते हैं। और मेरे पास अभी कपड़ा नहीं है, मैं आपको यहाँ से चेक करवा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें इतना इंजन ऑयल है, मतलब इसमें इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल पूरा है। कपड़ा दो और मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसमें इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल पूरा है, इंजन ऑयल कम नहीं है। अब मैं आपको इस बाइक का साउंड सुना देता हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ इसकी क्रैंक में प्रॉब्लम है या नहीं है, और आप लोग भी जान जाएँ, और वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, और रोड से कुछ ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट दें, प्यार करें, और आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक न्यूट्रल में नहीं है, अब बाइक न्यूट्रल हो गई है, अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। बाइक अभी धुआं नहीं दे रही है, एक्सीलेटर ये दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी क्रैंक खराब हो गई, लेकिन अभी ये धुआं नहीं दे रही है। और फिर से मैं क्रैंक की आवाज आपको अच्छी तरीके सुनवा देता हूँ, तो इस बाइक की क्रैंक खराब हो गई है, और अब मैं आपको इसमें इंजन प्लस आयल डाल के और आपको दिखाता हूँ कि ये कितना काम करता है। और अगर भाई अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं बाइक और स्कूटर संबंधित। तो अब आप देख सकते हैं ये इंजन कहाँ गया भाई, तो आप लोग देख सकते हैं ये इंजन प्लस आयल, ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के लिए है, और इसमें सारी चीज़ें बता रखा है कंपनी ने। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ कि सील पैक है, ऐसा नहीं है कि कोई अपने पास से प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सील पैक है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सील पैक है। मैं इसको इसकी सील खोलने जा रहा हूँ, ये मैंने इसकी सील खोल दी है, और ये इसमें मैं डालने जा रहा हूँ। जूम कर दो, जूम करके दिखाओ,
डालें। और अब मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूं और अब मैं 10 मिनट तक इस बाइक को स्टार्ट करके रखूंगा और मैं कुछ ज़्यादा एक्सीलेटर दे देता हूं जिससे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। आप लोग ये ना कहें कि मैंने एक्सीलेटर कम दिया, क्योंकि मुझे तो इंजन खोलना है इसका, इसकी क्रैंक में प्रॉब्लम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग ये ना समझें कि मैं बिना मतलब में किसी ऑयल को प्रयोग करने के लिए इंजन खोल रहा हूँ। तो अब ये बाइक 10 मिनट बाद मैं इंजन इसका खोलूंगा, वहाँ क्या दिखा रहे हैं। अब ये वीडियो मैं 10 मिनट इसको करने के बाद मैं दोबारा बनाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने डाल दिया। अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल बन जाएगी और उसको काटने में प्रॉब्लम होगी। डाल तो मैंने इसमें दिया है और अभी आपको खोल के निकाल के दिखा देता हूँ। तब तक ये दिखा दो कि बाइक कितना चली हुई है। लाओ, इधर इधर इधर, ये आप देख सकते हैं ये 51,000 किलोमीटर चली हुई है। ये 51,177 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है और इसके इंजन नंबर को उधर से जाके घूम के दिखा दो, जिससे ये ना लगे कि मैंने किसी दूसरी बाइक का इंजन खोला है। अच्छी तरीके से बाइक दिखा दो। यहाँ पर आप इसके इंजन नंबर को पढ़ लें अच्छी तरीके से, जिससे थोड़ी देर रोक देना वहाँ पर, जिससे जब मैं इंजन खोलूँ तो आपको लगे कि हाँ मैंने उसी बाइक का इंजन खोला है, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने किसी दूसरी बाइक का इंजन खोला है। और उठ के दिखाओ, यहाँ 160 लिखा हुआ, पूरी बाइक दिखा दो, कंडीशन दिखा दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाइक की कंडीशन दिखाओ, ये है अपाचे 160 RTR, ये ड्यूल डिस्क ब्रेक की बाइक है। आप देख सकते हैं ये ड्यूल डिस्क ब्रेक की बाइक है। यहाँ पर 180 लिखा हुआ है, लेकिन आप ये ना समझे कि ये 180 है, ये 160 है। यहाँ पर इन्होंने स्टिकर लगवाए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अपने आप इसके शॉपर भी अंदर चले गए हैं, आप देख सकते हैं। ये किसके, ये भी एक प्रूफ है, मैं बाद में दिखा सकता हूँ आपको। तो अब मैं 10 मिनट बाद इसके इंजन ऑयल को खोलता हूं और उसके बाद आपको लोगों को दिखाता हूं कि इसमें क्या निकला, कितना इसका कचरा साफ हुआ, कितना कार्बन ख़त्म हुआ, आज सारी चीज़ें पता चल जाएगी। भाई वीडियो पूरी देखना आप लोग। कितने मिनट चल गई है? 8। बंद करो। तो भाई 10 मिनट के बाद हम इसके इंजन ऑयल को निकालते हैं और देखते हैं कितनी इसके अंदर से कार्बन गिरे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद इंजन खोल के मैं दिखाता हूँ। खोलो इंजन ऑयल निकालो। ये आप देख सकते हैं, इंजन ऑयल निकल रहा है और मैं आपको पास से दिखाता हूँ। बस 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 करो, बस करो, सारा कार्बन निकल आया है। लाओ दिखाओ, इधर दिखाओ। राहुल हाथ डाल के दिखाओ, देखो क्या क्या गिरा अंदर से। कुछ नहीं गिरा है। अब लाओ इधर हाथ अपना नज़दीक में लेकर, इधर आके बैठो। अरे उधर गिर रहा है भाई, फर्श पे। अब इधर से आके दिखाओ, इधर इधर आके बैठो फटाफट और दिखाओ यहाँ पर हाथ लगे। तो ज़्यादा मत लगाओ हाथ में। अरे नज़दीक में लाके कैमरे के सामने दिखाओ, हाथ अपना ले आओ बस। हाँ देखिए भैया, अब आप लोग देखें कि कितना भयानक इससे सफाई हुई है। चलो बस हो गया,
तो भाई हमने इसका इंजन ऑयल निकाल लिया है, इसमें अभी मुझे कोई बहुत ज़्यादा कार्बन नहीं निकला है, और मैं अब इंजन खोल के दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या निकलता है। इधर लाओ दिखाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, और ऐसे करो, बस रख दे। तो आप देख सकते हैं इसका हमने सिलेंडर किट खोल दी है, ये है इसका सिलेंडर, और आप देख सकते हैं दोबारा से इंजन नंबर को, इधर दिखाओ इंजन नंबर, ये आप ध्यान से इंजन नंबर देख सकते हैं, और ये आप देख लें यहाँ पर ये पिस्टन पे अभी कार्बन लगा हुआ है, और ये हमने अभी हटाया नहीं, अभी इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको हेड भी दिखा देता हूँ, हेड पे आप देख सकते हैं पूरा कार्बन लगा हुआ है, मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा पूरा इंजन खोल के। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख ले कि यहाँ पर ऑयल भरा होता है, आप देख सकते हैं अगर आप कितना भी प्लस करेंगे तो आपका ऑयल इसमें भरा रह जाएगा। और अब मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ रख के फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई अब इंजन खुल चुका है इस अपाचे 160 RTR का, और मैं सबसे पहले आपको इंजन नंबर दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, दिखाओ भाई इंजन नंबर सही आ रहा है, ये इंजन नंबर है जिसको मैंने पहले दिखाया था, और अब बाद में दिखा रहा हूँ कि इसका इंजन खुल चुका है, दिखा। और अब आप देख सकते हैं ये कितना साफ है। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया भाई, जब इस बाइक की कभी इस प्रकार से क्लच प्लेट हब सेंटर नहीं कटा था, तो इसका इंजन, ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं ये पहले से ही साफ़ रहेगा, इसमें कोई साफ़ करने वाली बात नहीं। लेकिन आप अगर देखेंगे कार्बन के कण तो यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर चिपके हुए हैं। अब अगर आप लोग हाथ लगाते तो आपको पता चलता, मेरे ही कहने से हो सकता है आपको ना पता चले, लेकिन इसके अंदर अभी भी चिपके हुए हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, तो जो ये जगह है यहाँ पर इंजन ऑयल भरा रहेगा, अगर आप कोई भी फ्लस ऑयल डालते हैं तो उसमें यहाँ पर भरा रहेगा, जो कि बाद में आपके रिंग पिस्टन पर जाएगा। अब इधर दिखाओ, यहाँ पर मैं आपको टार्च जला के दिखाता हूँ कि यहाँ पर कचरा है अभी, ये दिखाओ यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पर एक काला वाला है, इधर से आगे दिखाओ भाई, ये चीज़, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़, उधर से जाके दिखाओ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कचरा है, आपको कैमरे में सही नहीं दिख रहा होगा, तो अब आप ये जान लें कि यहाँ पर अभी भी है ये देखिए, ये है, ये यहाँ पर लगा हुआ है। और अब मैं मेन जगह पे दिखाता हूँ जहाँ के लिए लोग कहते हैं कि अगर आप फ्लस करवा लोगे तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप पिस्टन पे देख लें, पिस्टन पे पूरा कचरा यहाँ पर लगा हुआ है, ये पूरा कार्बन, आरी ब्लेड लेके आओ, यहाँ पर ये पूरा कार्बन लगा हुआ है ये साफ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके वाल्व को, तो वाल्व पे पूरा कचरा यहाँ पर लगा हुआ है, ये कार्बन जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरीके से, मैं आपको इसको साफ करके दिखाता हूँ, जल्दी रहो। और यहाँ पर तब तक आप देख लें हेड पर, यहाँ पर हेड पर पूरा ये जमा हुआ है, ये आप देख लें, ये हटाना पड़ता है भाई, ये आप देख लें, इसको कोई नहीं हटा सकता, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर जमा हुआ है। पिस्टन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं पिस्टन पे ये लगा हुआ है, और वाल्व पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं वाल्व पर ये कचरा यहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है और हेड में पूरा भरा हुआ है यहाँ पर, और ये सारे सुराख इसके बंद हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा कचरा इसके अंदर भरा हुआ है, कार्बन इसके अंदर भरा हुआ है, कोई भी कार्बन रिमूव नहीं हुआ। मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को दिखा दिया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि क्या साफ़ हुआ है और क्या नहीं साफ़ हुआ है। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पेशकश लेके आओ, इसके एग्जास्ट वाल पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी लगा हुआ है। मैं किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को गलत नहीं कह सकता हूँ, इसलिए मैंने मिट्टी के तेल प्रयोग किया था, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को सही या गलत बताऊँ, बस मुझे जो अपना ओपिनियन शेयर करना होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ भरा पड़ा है भाई, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें,
तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भरी पड़ी हैं और मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया सारी चीज़ें, और क्लच भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लच में देखेंगे, आप ये ना समझें कि मैं इसको धूल मिट्टी में रख रहा हूँ, मुझे इसको अच्छी तरीके से सफाई करके उसके बाद फिट करना है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भरा हुआ, और 50,000 किलोमीटर जब ये बाइक चली हुई है तो आप ये ना समझे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब हब या सेंटर ये कट जाते हैं बहुत ही ख़राब तरीके से, तब ये देखें इसकी क्लच प्लेट बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। अगर ये क्लच प्लेटें ख़राब होकर इसको काट दी होती तब इसका पूरा इंजन ऑयल कचरा इसमें पूरा काला हो जाता, तब इसके अंदर निकलता। तो इसके अंदर जो भी मुझे आप लोगों को दिखाना था मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और अब आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या प्रयोग करना चाहिए क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए। मैं किसी प्रोडक्ट को ख़राब या सही क्या करूं, मैं क्यों बताऊं आप लोग। अब इस सारी चीज़ों को खोलने के बाद आप लोगों ने देख लिया कि पिस्टन पे भी कार्बन है। अब बहुत से लोगों ने मुझे उस वीडियो में कहा कि तुमने एकदम गलत बताया, मैं तो बचपन से ही फ्लस कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। तो भाई उन सभी डोमिनिक टोरेटो जैसे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। मैं इस बाइक को स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा, जब इसका सारा काम हो जाएगा तो स्टार्ट करके भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला, आप लोग ये कहेंगे कि वीडियो तुमने क्यों बनाई, साफ बात यही आप लोग पूछोगे ना। तो मेरे हिसाब से फ्लस करना सही नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फ्लस करेंगे कोई भी फालतू का प्रोडक्ट डालेंगे तो आपकी बाइक ख़राब हो सकती है। अब अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही है, क्योंकि आप लोग बार बार बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं क्या तुम इंजीनियर हो, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही है, क्योंकि ये आपकी जो भी होगी आपकी बाइक होगी, प्रॉब्लम आपको आएगी, अगर आपको लगता है कि सही है तो आप लोग डाल सकते हैं। मैं किसी चीज़ को रोक नहीं रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे पता चला वो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी साउंड डाल दूंगा बनने के बाद, तो भाई धन्यवाद। तो अब इस बाइक का इंजन बन चुका है और आप देख सकते हैं इस बाइक में इंजन लग चुका है, और ये वही बाइक है। इसलिए कंफर्म कराने के लिए सबसे पहले मैं आपको मीटर की रीडिंग दिखा दूं। यहां पर आप इसकी रीडिंग को देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो बैक करके ज़रूर इसको याद करके देख लें। यहां पर ये रीडिंग आप पढ़ लें, और यहां पर RTR 160 यहां पर भी लिखा हुआ है, और जो मैंने पहले आपको दिखाई थी उसमें 180 लिखा हुआ था। मतलब ये काउल पे जो स्टिकर है ये बाद में चेंज किया गया है। और अब मैं आपको इंजन नंबर भी कंफर्म करवा दूं, जिससे आपको पता चले कि ये वही बाइक है या नहीं है। तो यहाँ पर आप इसके इंजन नंबर को देख सकते हैं, मैं टॉर्च ऑन कर देता हूँ, आप इसके इंजन नंबर को अच्छी तरीके से कंफर्म कर लें, पहले भी जो मैंने दिखाया था और इस वाले को भी। और अब मैं आपको इस बाइक को पूरा दिखा देता हूँ कि वही बाइक है या नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लें। और अब मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, आप फ्रंट से भी देख लें। और अब मैं इस बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको इसका साउंड पता चले। आप पहले के साउंड को और इस साउंड को ज़रूर मिला लें। और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी धुआं नहीं है। इसमें धुआं नहीं दे रही है ये बाइक। और मैं आपको दोबारा स्टार्ट करके दिखा देता हूं, और उधर से आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चले। और इधर से मैं एक्सीलेटर देता हूं। तो इस बाइक में इंजन लग चुका है और इसमें इंजन में कोई भी आवाज़ नहीं है, और इसमें मैंने सिर्फ क्रैंक का काम करवाया है, और इसमें ना ही टाइमिंग चेन पड़ी है, ना तो क्लच प्लेट, ना तो कोई पिस्टन या रिंग, और फिर भी इसकी इंजन की आवाज़ काफ़ी बेहतरीन है।